जोड़ों में दर्द की समस्या आजकल आम होती जा रही है। व्यक्ति का शरीर जोड़ों पर ज्यादा निर्भर करता है। दर्द के चलते लोगों की काम करने की क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सर्दियों का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। हड्डियों या जोड़ों में किसी भी प्रकार के विकार के कारण हड्डियों में दर्द और सूजन की दिक्कत उत्पन्न होने लगती है। जोड़ों में दर्द के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जोड़ों पर यूरिक एसिड का इकट्ठा होना। कभी कभी अनुवांशिक कारणों से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो कभी ये दर्द कमजोरी के चलते भी होता है। पर शरीर को लाचार कर देने वाली इस बीमारी को आपको गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। दर्द और सूजन की वजह से जोड़ों की रचना में अंतर आ जाता है। जोड़ों के कार्यों में विकार आने की वजह से घुटने और कूल्हे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण रोगी चलने में असमर्थ हो जाता है। कारणवश शरीर का वजन बढ़ जाता है, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल व रक्तचाप भी बढ़ सकता है और धीरे धीरे शरीर में अनेक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। शरीर का कम इस्तेमाल करना या अपनी क्षमता से अधिक काम करना भी इस रोग का कारण हो सकता है। खाने पीने में लापरवाही करना, बासी अपच पैदा करने वाला खाना खाना, जैसे छोले, मटर, कुलचे आदि का सेवन अधिक करना, ठंडी सीलन भरी जगहों पर रहना, ज्यादा चिंता करना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन कारणों से दर्द का प्रमुख दोष वात प्रभावित होता है, जिससे संधियों की झिल्ली में बदलाव आने लगता है तथा झिल्लियां कमजोर होने लगती है। टेढ़े मेढ़े बैठने वाले व्यक्ति, लंबे समय तक एक ही आसन में बैठना, कमर गर्दन झुकाकर कंप्यूटर के आगे लगातार एक ही अवस्था में काम करते रहने से संधियों में विकृति आने लगती है, जिसके कारण हाथ, पैर, घुटने तथा अन्य अंग टेढ़े मेढ़े व सूजन युक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूरिक एसिड का बढ़ना भी जोड़ों में दर्द का प्रमुख कारण हो सकता है। जोड़ों से दर्द के बचाव के लिए मरीज को हमेशा गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, कब्ज होने वाले आहार से परहेज करना चाहिए, फास्ट फूड से तौबा करना चाहिए और तला भुना भोजन कम करना चाहिए। पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रातःकाल योग अभ्यास करें, कपालभाति, भस्त्रिका जैसे व्यायाम करें। सुबह शाम 15 मिनट तक गर्म पानी में पैर डालें और ध्यान रखें, ऐसा करते समय आपके पैरों में हवा ना लगे। इस रोग का उपचार करने में तुलसी बड़ी कारगर भूमिका निभा सकती है, क्योंकि तुलसी में वात विकार को मिटाने का प्राकृतिक गुण होता है। इसलिए तुलसी का तेल बनाकर दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। ज्यादा तकलीफ होने पर आप नमक के पानी से सेक भी कर सकते हैं, हल्के गुनगुने सरसों के तेल से मालिश भी कर सकते हैं।